सब्सक्राइब कीजिए एज इन्फॉर्मर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो देख पाए सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं एज इन्फॉर्मर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं फिशिंग के बारे में, इसलिए इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा, देखिएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी मिलेगी, इसलिए दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। देखिए, फिशिंग की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग पुराने ज़माने की बात करते हैं। पुराने ज़माने कहने का मतलब है जब बचपन में कोई भी सामान किराना दुकान में खरीदने जाते थे तो वहाँ पे उसके प्लास्टिक के ऊपर में लिखा रहता था, नक्कालों से सावधान। ये तो पक्का देखे होंगे। अब नक्कालों से सावधान का मतलब क्या है कि मिलता जुलता नाम जो है, अगर आप देखें तो प्लीज़ उससे बच के रहिएगा, जो एग्जैक्ट नाम है वही देखिएगा। वही चीज़ हो रहा है दोस्तों इंटरनेट की दुनिया में, और लोग धड़ल्ले से मिस्टेक करते जा रहे हैं, अपना यूज़र नेम पासवर्ड को चोरी करवा रहे हैं, खुद ब खुद दूसरे को बता रहे हैं और बाद में कहते हैं कि मेरा जो है अकाउंट हैक हो गया। वास्तविक है? अरे भैया, आपका हैक नहीं हुआ, आप खुद ही उसको यूज़र आईडी और पासवर्ड दे दिए। और ये होता है, इस सिस्टम को ही कहा जाता है फिशिंग। फिशिंग का मतलब समझिए, अपने भाषा में, अपने मतलब लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है, इसको कह सकते हैं कि नकलीबाजी किया गया, डुप्लीकेसी किया गया। अब क्या होता है इंटरनेट की दुनिया में, कैसे होता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, होता क्या है कि जैसे अपना लोग कोई प्रोडक्ट से मिलता जुलता रहता था, हम लोग देखते थे, लोगों मैच करते रहता था, इसी टाइप का जैसे किसी वेबसाइट का फिशिंग साइट बनाना है। फिशिंग साइट का मतलब है कि सेम टू सेम मिलता जुलता। अब सपोज कि आपका फेसबुक का बनाना है, फेसबुक का बनाने के लिए जैसा फेसबुक का यूजर इंटरफेस है सामने में दिख रहा है वैसा बनाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर जीमेल का बनाना है तो जीमेल की तरह बनाना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे डिजाइन कर देगा, तो दोस्तों जो इस टाइप का काम करता है वो तुरंत डिजाइन कर लेता है। कोई बड़ी बात नहीं है, फेसबुक का हो गया या ट्विटर का हो गया या किसी भी वेबसाइट का जो है सोर्स कोड जानने के लिए कोई बड़ी मतलब HTML सोर्स कोड तो तुरंत जाना जा सकता है, व्यू सोर्स करके जाना जा सकता है, या गूगल क्रोम में तो राइट क्लिक करके व्यू सोर्स करके जान सकते हैं आप। तो ऐसे कंडीशन में वो कोड को कॉपी कर लेता है, HTML मतलब पेज पे उसको पेस्ट कर देगा और ऐसा वेबसाइट दिखने लगेगा सेम टू सेम। अब बात आती है कि कैसे हम लोग पकड़े, तो वो होता है दोस्तों URL। URL का मतलब कि जो वेबसाइट जैसे www है, अब जहाँ पे www जैसे कि ये facebook.com है तो facebook.com रहेगा। वहाँ पे सपोज कि फेसबुक में बी के बाद जो है मतलब डबल ओ के बदला ट्रिपल ओ दे दिया और इसके बाद के दिया, आप लोग मिस्टेक कर जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग तो सीधे फेस देखते हैं, बस हो गया। इस टाइप का दोस्तों मिस्टेक होता है, और गवर्नमेंट के वेबसाइट के साथ भी मिस्टेक होता है, फेसबुक के साथ तो होता ही होता है, ऐसा ऐसा बहुत वेबसाइट है। तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी जैसे स्मॉल आई एंड एल में अंतर हो जाता है, कैपिटल एल में ऐसा ही होता है। खैर, कैपिटल एल तो नहीं होता है क्योंकि URL में हमेशा जो है स्मॉल लेटर यूज होता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा है कि आपको मिस्टेक कर दिया जाएगा। मिस्टेक का मतलब कि जल्दीबाजी में आप रहेंगे, हो सकता है चार पांच मतलब थोड़ा सा लंबा स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग का मतलब कि आपका वेबसाइट का नाम, कोई वेबसाइट ऐसा खोले जिसका वेबसाइट जैसे लंबा है। जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था कि क्लाउड फ्लेयर के बारे में, उसमें भी फिशिंग हुआ था। क्लाउड फ्लेयर में क्या था कि आपको कि वेबसाइट लगेगा कि नहीं लगेगा कि एकदम ओरिजिनल वेबसाइट पे, क्योंकि बार बार आपका मतलब आदत बन चुका है उस वेबसाइट को खोलने का, डायरेक्ट आप यूजर नेम पासवर्ड डालिएगा। अब वहाँ पे क्या होगा, मेन खेला अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए होगा क्या, जैसे ही यूजर नेम पासवर्ड डालिएगा तो क्या होगा, वहाँ पे पासवर्ड गलत बता देगा। क्योंकि अब दोस्तों वहाँ पे क्या है कि देखने में आपको लगेगा कि सेम टू सेम है, यूजर नेम पासवर्ड गलत बताएगा, ऐसा तो रहता है पहले से सेटिंग किया हुआ, वो पासवर्ड यूजर नेम जाके स्टोर हो जाता है उसके डेटाबेस में। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या है, वो रिडायरेक्ट ऑप्शन लगा देता है कि एक बार अगर कोई लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा, सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, तो उसको एरर बताएगा और इसका रिडायरेक्ट कर लेगा ओरिजिनल फेसबुक पे। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में URL चेंजिंग हो गया, आपको पता नहीं चला क्योंकि आप URL पे ध्यान नहीं दिए और आप यूजर इंटरफेस को देख रहे हैं, मतलब सामने में जो वेबसाइट है वो देख रहे हैं, तो पहले जैसा था वैसा ही बाद में है। फिर से जैसे ही आप यूजर नेम पासवर्ड डालिएगा, दोबारा लगेगा कि आपको हो सकता है कि कोई मिस्टेक कर दिए होंगे, आपके माइंड में ये आएगा कोई पासवर्ड जो है, पासवर्ड टाइप करते वक्त कोई लेटर जो है एक्स्ट्रा बटन दबा गया, या मोबाइल से कर रहे हैं तो दूसरे टाइप का कोई और मतलब लेटर जो है प्रेस हो गया होगा। तो ऐसे कंडीशन में आप दोबारा पासवर्ड डालिएगा और इसके बाद जाएगा खुल, क्योंकि एक दो बार डालने के बाद नहीं खुलेगा तब आपको डर होगा कि आखिर पासवर्ड से खुल क्यों नहीं रहा है। लेकिन पहली बार मिस्टेक होता है, लोग सोचते हैं कि पासवर्ड डालने में ही मैं मिस्टेक कर गया, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, आप वहाँ फेसबुक चला रहे हैं, आपके पास जो है ओरिजिनल आईडी है, ओरिजिनल वेबसाइट पर आप तो पहुँच चुके हैं, लेकिन क्या है कि इससे पहले आप किसी और को अपना यूजर नेम पासवर्ड सब कुछ बता दिए। ये हुआ कैसे, ये फिशिंग की तरफ हुआ, मतलब ये जो पूरा स्टेप है इसी को कहा जाता है फिशिंग। मतलब एक तरह से आपको अंधेरा में रखा जाता है,
और आप वेबसाइट को ध्यान में देते नहीं हैं और इसके बाद कर देते हैं मिस्टेक। अब यहाँ पे एक और बात, मैं हमेशा से जो बताता हूँ HTTPS या HTTP, तो यहाँ पे HTTPS हो या HTTP हो कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हैक नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे आपका पासवर्ड चुराया जा रहा है आपको, मतलब मिसगाइड करके आपको ओरिजिनल चीज़ नहीं बताया जा रहा है। तो इस चीज़ से आपको बचना होगा। और ये आपको मैं आपको अभी फिर से बोल रहा हूँ कि जब भी आप कोई वेबसाइट पर विजिट करें तो प्लीज़ URL को देख लें, खासकर जहाँ पर आपका सेंसिटिव डाटा हो, जैसे फेसबुक पर हो सकता है आपका पर्सनल फोटो हो, पर्सनल डेटा हो, जीमेल पर आपका पर्सनल ईमेल हो, मतलब कोई मेल आया हो या कोई फोटो हो, तो जहाँ पे भी इस टाइप का आपको डर लगता है तो प्लीज़ यहाँ पे क्या मैं कहूँगा कि जितने भी वेबसाइट को आप विजिट करते हैं अगर आपको याद है कि हाँ इसका URL यही है तो ऐसा करें। और ख़ासकर दोस्तों जब भी ऑनलाइन पेमेंट की बात हो, मतलब कि नेट बैंकिंग की बात हो, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा भी सर्च इंजन से मत जाइएगा, क्योंकि सर्च इंजन में भी फिशिंग हुआ है। अब कैसे वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको ये जानना होगा कि सर्च इंजन में फिशिंग हुआ है तो प्लीज़ आप जो है कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए, मैं आपको प्रूफ दूंगा कि हाँ सर्च इंजन भी, मतलब कि गूगल सर्च को भी मतलब एडवर्टाइज करवा करके फिशिंग वेबसाइट पे ले जाया जाता है और गूगल भी नहीं पकड़ पाता है। ऐसा हुआ है, मुझे ऐसा प्रूफ भी मिला था। सोचा कि ये वीडियो बना, वो वीडियो जो मैं बनाऊंगा उससे पहले मैं फिशिंग के बारे में को समझा दूं और इसके बाद वो वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग को समझ में भी आएगा और फ्यूचर में कभी कोई मिस्टेक भी नहीं कहेंगे। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। जरूर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को इतना लाइक कीजिए कि मुझे खुशी मिले कि हाँ लाइक बढ़ रहा है, साथ साथ कमेंट करिएगा ही करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।